सेल्स आपके स्किन को, बालों को, सभी के लिए कह लीजिए, जहां पर भी एब्जॉर्ब होती है स्पेशली वहां पर सेलुलर लेवल पर स्किन सेल्स को टाइटन अप करने का, ब्राइटन अप करने का काम। विटामिन ई, कौन कौन से सोर्स है विटामिन ई के इसमें? कैस्टर ऑयल, आलमंड ऑयल, ऑलिव ऑयल, अंडी का तेल, बादाम का तेल, जैतून का तेल और तिल का तेल, ये हमारे विटामिन ई के सोर्सेस हैं। उसके बाद जिस तरह का प्रोडक्ट उस हिसाब से इंग्रेडिएंट्स विल हैव डिफरेंटली सेपरेटली। ओके, बहुत इंपॉर्टेंटली पहला जरूरी यहाँ पर जो प्रोडक्ट है विच इज योर लिप बाम। छोटे छोटे बच्चों का आपने देखा होगा वो कितने नाजुक नर्म होते हैं, छोटे छोटे बच्चों, लेकिन धूल, मिट्टी, गंदगी, प्रदूषण और लापरवाही इनके चलते उम्र के साथ साथ लिप्स डैमेज ही होते चले जाते हैं, है ना? महिलाओं की गलतफहमी, अंडरनीथ योर लिपस्टिक लिप बाम का अप्लाई होना बेहद जरूरी है, क्योंकि लिपस्टिक्स केमिकल से बनी होती है और डायरेक्टली स्किन पे अप्लाई करने से आपके लिप्स को, आपकी सबसे सेंसिटिव स्किन को, बॉडी की डैमेज करेगी। पुरुषों की गलतफहमी, जब खुश्की होती है, सर्दियां होती है तब तो अप्लाई कर लेते हैं, लेकिन गर्मियों में नहीं अप्लाई करते, जबकि लिप बाम हर रोज सुबह जब आप फेस वॉश करते हैं तभी अप्लाई करना चाहिए, फेस पर जब आप मॉइस्चराइज कर रहे हैं तभी अप्लाई होना चाहिए। आप चाहें तो बाहर जाने से पहले अगर अप्लाई कर लेंगे टाइम से तो बाहर जाने से पहले ही वो स्किन में अब्जॉर्ब हो चुका होगा, आपकी स्किन को डैमेजेस से बचाए। इतनी इस वक्त इतनी गर्म गंदी धूप जो पड़ रही है उससे लिप्स को डैमेज से बचाए। ओके, जरूर अप्लाई होना चाहिए। सबसे कम एसपी का प्रोडक्ट अब तक का, अभी नए लॉन्च हुए प्रोडक्ट की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन अब तक का सबसे कम एसपी का प्रोडक्ट, पहली बात। दूसरी बात इसके साथ जरूरी क्या है जो आपने ध्यान देना है, सबसे सेंसिटिव पार्ट होता है ना, और ये पूरी मेकअप मंत्रा के रेंज में एक बात का ध्यान रखिएगा, कोई भी प्रोडक्ट, लोशन, बाम, क्रीम, है ना, जेल, कुछ भी बोला जाए आपसे, ये सारी चीजें अप्लाई होंगी एक साफ सरफेस पे। ऐसा नहीं है कि सुबह मुंह धोकर निकले थे, बैग में लिप बाम पड़ा है और जब फील्ड में याद आया निकाला लिप बाम लगा लिया, ऐसा नहीं कीजिए, है ना। सुबह नहाए थे, दिन में 1-2 बजे याद आया, अचानक उठाया, बॉडी लोशन लगा लिया, नहीं। इससे क्या होगा, जितनी गंदगी ऑलरेडी उस वक्त तक स्किन पर मौजूद है उसके साथ वो स्किन में एब्जॉर्ब हो जाएगा। ओके, इसीलिए कोशिश ये किया कीजिए जब सरफेस क्लीन हो उसी वक्त अप्लाई किया जाए कोई भी प्रोडक्ट, बॉडी लोशन भी, स्किन को मॉइस्चराइज करने के लिए। सर्दी गर्मी हर मौसम में अप्लाई होगा। ऑरेंज फ्रूट एक्सट्रैक्ट स्किन को ठंडक देंगे, साथ में आप कह सकते हैं शुगर केन एक्सट्रैक्ट स्किन को ठंडक देने का काम करता है, और वही विटामिन ई के सोर्सेज, नहाने के बाद बॉडी को टॉवल ड्राई करने के बाद अप्लाई किया जाए। नेक्स्ट इज योर मेकअप मंत्रास डे क्रीम फॉर मेन्स, पुरुषों के लिए डिजाइन की गई क्रीम, क्योंकि देखिए कोई भी विटामिन ई हो, विटामिन सी हो, कुछ भी हो, स्किन पर एब्जॉर्ब, टफ स्किन टाइप पे जनरली अपने आप एब्जॉर्ब नहीं, ओके, अपने आप एब्जॉर्ब नहीं होता, उसके लिए स्पेशल एफर्ट्स के रूप में यहाँ पर यशक भस्म अप्लाई किया गया है, इंग्रेडिएंट्स में है, जो कि आपकी टफ स्किन टाइप को पेनिट्रेट करके, जो भी ये क्रीम के इंग्रेडिएंट्स है, विटामिन ई युक्त ऑलिव ऑयल, तिल का तेल और साथ में घृत कुमारी, जैस्मिन फ्लावर, ये सारी चीजें आपकी स्किन में एब्जॉर्ब करवाने का काम करता है यशक भस्म की। ओके, जरूरी बात इसके साथ में फेस वॉश करके ही अप्लाई कीजिए। नेक्स्ट इज योर मेकअप मंत्रास फेयरनेस क्रीम। फेयरनेस क्रीम आप कह सकते हैं चेहरे की रंगत के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, नाम से पता चलेगा। टीवी प्रचार की तरह बिल्कुल मत सोचेगा कि एकदम आप गोरे हो जाएंगे दुनिया बदल जाएगी, बहुत बार बोला है मैंने ये बात, पर गोरे हो जाएंगे दुनिया बदल जाएगी नहीं, पर अगर आप मेहनत करते हैं दुनिया बदलते हैं तो रंगत जरूर बदल जाएगी, है ना। कई बार मैंने ये बात बताई है कि घर में एसी, गाड़ी में एसी, बहुत फर्क पड़ता है। यस और नो? यस। वेरी मच इम्पोर्टेंटली टेम्परेचर मैनेजमेंट मैटर करता है ना, जो हमसे ज्यादा गर्म देश है वहां के लोग हमसे ज्यादा डार्क कलर के, अफ्रीकन कंट्रीज के लोग ज्यादा डार्क कलर के क्यों होते हैं, और जो हमसे ज्यादा ठंडे देश है उनके लोग हमसे ज्यादा गोरे क्यों होते हैं, इसीलिए क्योंकि ये जो फेयरनेस क्रीम है ये भी उसी पर्पज पे ही काम करती है। हमारे बॉडी में एक पिगमेंट बनता है मेलानाइन पिगमेंट, वो मेलानाइन पिगमेंट ज्यादा टेम्परेचर में ज्यादा बनता है और हमारी स्किन का कलर डार्क कर देता है, और जब कम होता है या बहुत कम होता है तो स्किन का कलर लाइट हो जाता है। ओके, तो सभी के लिए जिनकी बॉडी में हाइपर पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है उनके लिए रिकमेंडेड। बस ध्यान रखिएगा कि टेम्परेचर भी आपको ख्याल रखना है, एकदम से लगा कर बाहर नहीं निकलना। ओके, धूप, इतनी गंदी धूप में तो बिल्कुल नहीं निकलना। नेक्स्ट आप आफ्टर दिस इसको अप्लाई करना है
और बहुत जरूरी बात इसमें स्किन को नरिश करने के लिए, डार्क सर्कल्स सभी के लिए आपका ये प्रोडक्ट रिकमेंडेड है, ध्यान दीजिएगा इस बात पर। रेडनेस क्रीम मतलब चेहरे के रंगत को चेंज करने वाला है पूरा। नेक्स्ट इज योर हेयर रिमूवल क्रीम। हेयर रिमूवल क्रीम बेसिकली आप कह सकते हैं अनवांटेड हेयर्स को रिमूव करने के लिए। अनवांटेड हेयर्स की जब बात की जा रही है तो पहले पैच टेस्ट करेंगे स्किन टाइप के हिसाब से कितना टाइम आपको लगेगा उन हेयर्स को रिमूव करने में। इम्पोर्टेंटली सरफेस पे अप्लाई करना है 5 से 15 मिनट के बीच में, स्पैचुला की मदद से क्लीन करना है, पानी से वॉश करना है एंड मॉइस्चराइज करना। इसमें खास बात क्या है, इसमें खास बात है एलोवेरा की प्रेजेंस जो स्किन को डार्क नहीं होने देती। अनवांटेड हेयर जब आप रिमूव करते हैं तो स्किन में डार्कनिंग की प्रॉब्लम हो जाती है, वो चीज इसके साथ में नहीं। ओके, पैच टेस्ट जरूर कीजिएगा, स्किन को स्मूथ एंड आप कह सकते हैं सॉफ्ट बनाने में मदद करती है। नेक्स्ट अप इज योर स्ट्रॉबेरी फ्रूट फेस वॉश। विद दिस आपको पता होना चाहिए हमारे पास टोटल 3 तरह के फेस वॉशेस, 3 तरह। पहला आपकी स्क्रीन पर लिख लीजिए स्ट्रॉबेरी फ्रूट फेस वॉश, दूसरा है एक्स हर्बल फेस वॉश, वो पुरानी वाली ब्यूटी केयर की रेंज का है, तीसरा है कीवी फ्रूट फेस वॉश, 2 स्लाइड के पीछे भी दिखा दूं। ओके, जरूरी बात यहाँ पर जो एक्स हर्बल फेस वॉश है वो रिकमेंडेड है साधारण स्किन टाइप के लिए, इन शॉर्ट आप कह सकते हैं महिलाओं पुरुषों सभी के लिए जनरल स्किन टाइप। स्ट्रॉबेरी फ्रूट फेस वॉश जो आपकी स्क्रीन पर है इस वक्त, ये रिकमेंडेड है सेंसिटिव स्किन टाइप के लिए, जिनको साधारण रूप से यूज किया गया आपके नीचे एलोवेरा ये सब चीजें सूट नहीं करती, या सिंपल चीजें सूट नहीं करती सेंसिटिव स्किन टाइप। ठीक है, और तीसरा आता है हमारा कीवी फ्रूट फेस वॉश, ये रिकमेंडेड है उन लोगों के लिए जिनके चेहरे पर ओपन पोर्स गड्ढे होते हैं चेहरे पर, थोड़ा सा कुछ आप कह लीजिए जेस्चर्स है जिसकी वजह से नॉर्मल फेस वॉश वॉक नहीं कर पाता ठीक से, ये कीवी फ्रूट फेस वॉश क्योंकि इसमें कीवी के सीड्स हैं जो कि डीप डेंस स्किन के लिए। रात को सोने से पहले, सुबह सो के उठने के बाद और दिन में अगर कहीं बाहर गए तो वापस आने के बाद फेस वॉश जरूर होना चाहिए, क्योंकि अगर आप अपने चेहरे पर बाहर से आई हुई गंदगी को थोड़ी देर के लिए भी रहने का स्थान देते तो वो परमानेंटली जमने के प्रयास करेंगे। ओके, इसलिए स्किन का क्लीन होना बेहद जरूरी। नेक्स्ट चीज है मेकअप मंत्रास मॉइस्चराइजिंग क्रीम। मॉइस्चराइजिंग क्रीम बेसिकली आप कह सकते हैं स्किन को मॉइस्चराइज करने के लिए सर्दियों की क्रीम, मॉइस्चराइज करने के लिए सर्दियों की क्रीम है जो स्किन को वॉश करने का, फेस को वॉश करने का अप्लाई करनी है, स्किन को नमी या मॉइस्चर आपके लिए देने में मदद है। नेक्स्ट अप इज योर मेकअप मंत्रास नाइट क्रीम फॉर वुमेन्स, ये भी महिलाओं के लिए है, फेयरनेस क्रीम भी महिलाओं के लिए है। कारण क्या है, क्योंकि ये बहुत इस तरह के रिजल्ट जो है महिलाओं की स्किन पर जल्दी दिखते हैं, इफेक्टिवली थोड़ा जल्दी दिखते हो, कोई भेदभाव नहीं है, टेंशन मत लीजिए आप लोग, है ना, और ना आपको अप्लाई करने की खास भी जरूरत है, आप चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं, इट विल नॉट बी वर्किंग दैट इफेक्टिव। हाँ, अगर आप इनके रिजल्ट्स महिलाओं के आपके आसपास महिलाओं में रिजल्ट्स आपने देखे हैं, उस तरह के रिजल्ट्स आते हैं तो आप उन्हें शेयर जरूर कर सकते हैं। ओके, शेयर जरूर कीजिए। नेक्स्ट यस, इंपॉर्टेंटली नाइट क्रीम। देखिए स्किन रात में हमारी रिपेयरिंग का काम, रात में हमारी स्किन रिपेयरिंग का काम करती है अपने आप की, इसीलिए रिजुविनेशन का काम रात में होता है, उसी काम को बेहतर ढंग से करवाने के लिए अश्वगंधा वाला आपकी पत्तियां साथ में आप कह लीजिए क्यूक्यूम्बर एप्पल फ्रूट एक्सट्रैक्ट, ये सारी चीजें हेल्प करती हैं स्किन को टाइटन अप करने में रात में, जो रिपेयरिंग का काम स्किन अपने आप कर रही है उसको और बेहतर करें। कोई भी क्रीम वैसे तो इस तरह से सर्कुलर मोशन में अप्लाई की जाए, अपवर्ड सर्कुलर, इसको थोड़ा सा इस तरह से यूज कीजिए अपवर्ड डायरेक्शन में स्किन को टाइट करने के लिए रात में, फेस को वॉश करने के बाद कभी भी क्रीम को ऐसे ऐसे करके यूज नहीं करना, स्किन और नीचे को खिंच जाएगी। अपवर्ड सर्कुलर मोशन में आपने यूज करना है, सर्कुलर मोशन में आप सर्कुलेशन या उसको ब्लेंडिंग बेहतर कर रहे हैं। नेक्स्ट आती है हमारी ये बताया आपके टाइम में यूज होगी। नेक्स्ट अप आफ्टर दिस वी हैव इज योर कीवी फ्रूट फेस वॉश, बता ही दिया है। नेक्स्ट अप इज योर मेकअप मंत्रास वी स्प्लैश। फॉर वेजाइनल एरिया, दिस इज फॉर वुमेन्स, महिलाओं के लिए इंटीमेट एरिया को वॉश करने का, मतलब स्किन का पीएच होता है एसिडिक, साबुन का पीएच होता है बेसिक। यकीन मानिए आज के जनरेशन का या कह लीजिए आज के समय का बहुत ज्यादा जागरूकता भरा ये प्रोडक्ट है जो कि आपको यूज करना और कराना चाहिए महिलाओं के लिए।
पुरुषों के लिए भी ये रिकमेंडेशंस में, महिलाओं के लिए आप कोई भी ब्यूटी केयर के प्रोडक्ट रिकमेंड कर रहे हैं, डेली यूजर्स के प्रोडक्ट, ये जरूर होना चाहिए, क्योंकि साबुन ड्राइनेस इचिनेस को बढ़ाता है नॉर्मल केसेस में। और बात मासिक धर्म की अगर आए, साफ सफाई देखिए जरूरी, हर रोज में होनी चाहिए, लेकिन अगर बात आती है मासिक धर्म की या वाइट फ्लूइड डिस्चार्ज की, उस वक्त साबुन और ज्यादा फंगल इन्फेक्शन को बढ़ावा दे देता, ज्यादा दिक्कत बढ़ा देता है, ठीक है। तो ऐसे में ये यूज किया जाएगा, हर रोज में यूज किया जाएगा। हमारे पास एक और प्रोडक्ट है इससे मिलता जुलता, एक्स जीनोडॉक पॉइंट, यहीं पर स्लैश डालकर आप लिख सकते हैं, वो हमारा वेलनेस का प्रोडक्ट है, एक्स जीनोडॉक पॉइंट। दोनों में फर्क क्या है? अगर फंगल इन्फेक्शन है तो जीनोडॉक पॉइंट दीजिएगा। अगर महिला को खुशबू से थोड़ा दिक्कत है कि भाई इसमें ज्यादा खुशबू आ रही है, मुझे नहीं चाहिए, है ना, तो जीनोडॉक पॉइंट दीजिएगा। बाकी सभी के लिए हर रोज में ये बी स्प्लैश जो आपकी स्क्रीन पर है, यही दिया जा सकता है, ओके। नेक्स्ट अप आफ्टर दिस वी हैव इज योर पर्सनल केयर की रेंज। पर्सनल केयर की रेंज में द फर्स्ट प्रोडक्ट वी हैव इज बाथवे। पर्सनल केयर की रेंज में जो प्रोडक्ट हमारे पास है वो चारों के चारों साबुन 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 साबुन, ओके। तो हमें क्या पता होना चाहिए फर्क।